हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन 44th ओलंपियाड चैंपियनशिप की है, लुकेश डी वर्सेस गैब्रियल सर्गेसियां। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली गेम को शुरू करता हूँ। d4 के साथ यहाँ लुकेश ने, b5 यहाँ गैब्रियल ने खेला, देन हुआ c4, e6, देन nf3, nf6, देन nc3, bb4, निम्जो इंडियन की तरफ ये गेम ट्रांसपोज हो गई है फ्रॉम क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। क्वीन a4 चेक, बिशप पर अटैक बना लेकिन डिफेंस हुआ नाइट से, बिशप पर भी डिफेंस किया साथ के साथ। e3, देन कैसल बाय ब्लैक, बिशप आया d2 स्क्वायर पर, देन d takes c4, बिशप टेक्स c4, बिशप d6 वापस गया, देन क्वीन गई c2 स्क्वायर पर। e5, देन d takes e5, नाइट टेक्स e5, तो बिशप वापस लिया यहाँ वाइट ने e2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स f3 चेक और g takes f3, जी फाइल यहाँ ओपन करवा दी है या कर दी है गुकेश ने। a6, then castle by Gukesh towards long side, b5, rook at h goes to g1, then hua b4, knight par attack, ye knight gaya e4 square par, knight actions ki koshish hai ki ye yahan, knight takes e4, f takes e4, then queen e7, to f4 yahan white ka move aaya, agla move kya hoga, obvious, yahan is e pawn ko aage push karne ka, a5, then e5, bishop par attack, bishop gaya c5 square par, then rook g5, बिशप a6 बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन यहाँ इस बात की परवाह न करते हुए गुकेश ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की जी फाइल में। और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ब्लैक कम से कम बिशप टेक्स e2 कर ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक टेक्स g7 चेक और इस चेक के बाद किंग को जाना होगा h8 स्क्वायर पर, और बाकी का बचा हुआ काम ये क्वीन कर देगी जो बहुत दूर बैठी है, रुक टेक्स h7 चेक और ये मेट करने। तो इसीलिए यहाँ ब्लैक ने पहले अपने जी पॉन को आगे पुश किया, और उसके बाद यहाँ गुकेश ने बिशप एक्सचेंज किए, बिशप टेक्स a6, रुक टेक्स a6, देन f5, और जी पॉन को पिन होने का पूरा फायदा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर उठाया गया है। क्या यहाँ इस एफ पॉन को एक कदम और आगे पुश किया जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि यहाँ ब्लैक अपने क्वीन से इस ई पॉन को नहीं ले सकते, क्योंकि फिर एफ पॉन जरूर आगे पुश होगा जिस भी रूप में होगा, क्योंकि यहाँ इस बिशप पर अटैक भी होगा। वेल, बिशप a6 यहाँ पहले ब्लैक ने इसीलिए किया, देन हुआ e6 और मेटल एक्शंस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कर दिया। किंग यहाँ ब्लैक ने पहले अपने h8 स्क्वायर पर लिया, देन किंग b1 वाइट का। मेरे ख्याल से रुक्स इतने अग्रेसिव ठीक नहीं है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो मटेरियल एक्शन तो पॉन एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। रुक किस तरह से नहीं किए जा सकते थे, यहाँ ब्लैक चाहता तो एच पॉन आगे पुश करके रुक पर अटैक बना सकता था, और रुक वापस जाता उसके बाद ब्लैक अपने जी पॉन को आगे पुश कर देता, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन मैनेज होती हुई नजर आती। लेकिन यहाँ g takes f5 होने के बाद बिशप टेक्स b4 चेक, फ्रेंड्स ये कहाँ से मूव आया निकल कर, यहाँ बिशप सेक्रीफाइस आया है, और क्या जरूरत है इस बिशप सेक्रीफाइस की, बिशप सेक्रीफाइस की जरूरत ये है कि इस बिशप को हटाना ही था ताकि वाइट या गुकेश अपनी क्वीन को इस जी फाइल में लेकर आ सके और चेकमेट आराम से कर पाए। जैसे कि अगर यहाँ a takes b4 अगर ब्लैक करता है तो क्या होगा, तो क्वीन g2 वैसे वाइट की इंटेंशन से ही है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन d8 जैसा मूव कह सकते हैं कि इस g8 स्क्वायर को सिक्योर करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन e7 दोबारा फॉकिंग क्वीन एंड रुक, तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, ब्लैक यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता है, क्वीन d3 चेक होगा, तो व्हाइट को यहाँ अपनी क्वीन को c2 स्क्वायर पर लेकर आना ही होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लैक यहाँ इस गेम को ड्रॉ करा पाएगा, लेकिन ड्रॉ की सिचुएशन बाद में देखते हैं। पहले अगर व्हाइट यहाँ अपनी क्वीन को c2 स्क्वायर पर ले जाए तो क्वीन एक्सचेंज करके यहाँ पर अब ब्लैक अपने रुक को e8 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, लेकिन दोनों रुक की सेक्रीफाइस या दोनों रुक को देने के बाद यहाँ अपनी व्हाइट क्वीन आराम से प्रमोट कर चुका होगा। लेकिन मैं चलता हूँ यहाँ इस पॉइंट पर, अगर यहाँ व्हाइट अपने किंग को मूव करता है h1 स्क्वायर पर, तो ब्लैक के पास पोटेंशियल चांसेस हैं इस गेम को ड्रॉ कराने के, किस तरह से वह यहाँ रुक सेक्रीफाइस कर सकता है। किंग टेक्स a2 होने के बाद b3 चेक होगा, और मेरे ख्याल से अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, किंग कहाँ जाएगा a1 स्क्वायर पर, देन क्वीन a6 चेक, किंग b1, d3 चेक और रिपीट चेक के बाद ये गेम चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी। अगर व्हाइट यहाँ किंग को c1 स्क्वायर पर ले जाने का ब्लंडर करेगा तो बिशप से इस गेम को चेकमेट तक पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। खैर चलते हैं गेम, यहाँ पर क्वीन टेक्स b4 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चेक, देन क्वीन गई g2 स्क्वायर पर एज ऑब्वियस, लेकिन यहाँ ब्लैक के पास एक मूव है, उन्होंने यहाँ किया क्वीन g4 चेक, चेक करके
फोर्स किया यहाँ क्वीन के लिए। क्वीन टेक सी फोर, एफ टेक सी फोर, देन ई सेवन रुक पर अटैक बना, रुक गया ई एट स्क्वायर पर लग गया, वही सिचुएशन जो भी एक सबडिवीजन में डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ गुकेश ने किया रुक जी एट चेक, रुक टेक्स जी एट, रुक टेक्स जी एट विद चेक, किंग टेक्स जी एट, देन ई एट इक्वल्स क्वीन विद चेक, तो किंग जी सेवन स्क्वायर पर, देन क्वीन ई फाइव चेक, रुक बीच में इस चेक से बचने के लिए लगा और अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है यहाँ इस पॉन को लेने की। क्वीन जी फाइव चेक, रुक जी बी फिर दोबारा बीच में लगा, देन क्वीन टेक्स ए फाइव और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। तो गैब्रियल ने किया रुक जी वन चेक, किंग सी टू स्क्वायर पर गया, देन रुक जी टू चेक, किंग यहाँ से गया बी थ्री स्क्वायर पर और ऑब्वियस है कि फिलहाल ये एच टू पॉन बिल्कुल सेफ है, अदरवाइज यहाँ चेक देने के साथ इस रुक को लिया जा सकता है। लेकिन ब्लैक को पहले अपने बिशप को बचाना होगा, बिशप गया बी सिक्स स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन ई फाइव चेक, किंग यहाँ से गया एफ एट स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन एच एट चेक। वैसे तो यहाँ इस ई फोर पॉन को लिया जा सकता था लेकिन उससे पॉन इक्वल हो सकते थे। वेल किंग यहाँ गया ई सेवन स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स एच सेवन, डायरेक्टली अटैकिंग टू दिस ई फोर पॉन और अपने पॉन पर भी डिफेंस कर लिया। इस पॉइंट पर यहाँ रुक जी सिक्स की ऑप्शन जरूर कंसिडर करनी चाहिए थी क्योंकि अपने कभी भी किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ा जाए। लेकिन यहाँ ब्लैक ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया अपने रुक को ई टू स्क्वायर पर ले जाकर, और ऐसा करने के बाद पहले तो हुआ क्वीन टेक्स ई फोर चेक, किंग जब एफ एट स्क्वायर पर गया तो फाइनल मूव था यहाँ गुकेश डी का क्वीन बी फोर चेक, और यहाँ इस मूव के बाद गैब्रियल सारगसियान ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन सिर्फ यही है कि अब ब्लैक के किंग के जाने के लिए सिर्फ जी और ई फाइव के तीन स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, तो पहले लेकर चलते हैं ब्लैक के किंग को जी फाइव, जी सेवन या जी एट जिस भी स्क्वायर पर आप लेकर जाना चाहें, तो उसके बाद क्वीन जी फोर चेक होगा फॉकिंग किंग एंड दिस रुक। दूसरी ऑप्शन कंसिडर करते हैं, अगर ये किंग मान लो ई फाइव में या एट स्क्वायर पर जाता है देन क्वीन बी फाइव चेक और यहाँ फिर दोबारा फॉकिंग किंग एंड रुक। तो फ्रेंड्स गुकेश डी का इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।